दोस्तों स्वागत है सिविल इंजीनियर जॉब चैनल में। तो आज की जॉब पे बात करते हैं हम। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है बुरो हैपोल्ड में। पहले मैं सबको कह दूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी डेली जो प्राइवेट जॉब की बात करूं या गवर्नमेंट जॉब की, इस पे अपडेट आते ही रहेंगे। अगर एक्सपीरियंस की बात करें या फ्रेशर्स के लिए, दोनों के लिए इस चैनल पे वीडियो आते रहेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो जो कंपनी है काफ़ी अच्छी कंपनी है, जिसके वर्क मतलब एक लगा लो हर देश में इनका वर्क है। अगर मैं बात करूं, देखो सामने जो आप देख रहे हो किस जगह पे ये काम होने वाला है, ये सामने रहा। फिर हम बात करें न्यूयॉर्क में रहेगा, फिर बर्लिन में, तो काफ़ी है। लेकिन मैं आज जो आपको रिक्रूटमेंट बताने वाला हूँ वो इंडिया के लिए बताने वाला हूँ। हैदराबाद में जॉब लोकेशन रहने वाला है, तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो हैदराबाद में जॉब लोकेशन रहेगी। स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, और जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो परमानेंट रहेगा। ग्रेड क्या रहेगा, इंजीनियर रहेगा इवन, और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या रहेगा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का काम रहने वाला है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए मैं बताता हूँ कहाँ आपको अप्लाई करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप जाके अप्लाई करना। तो इसका मैं बता दूं क्या 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 डिमांड उन्होंने रखी है, क्या क्या आपको आना चाहिए। सबसे पहले मास्टर डिग्री इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए, ये पहली शर्त। दूसरी, 3 से 6 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा वो एडवांटेज रहेगा। फिर जो एक्सपीरियंस, जो सेकेंडरी एक्सपीरियंस होगा स्टील में, ज़रूर को उसको स्टील का नॉलेज होना चाहिए। फिर गुड ऑटोकैड स्किल होनी चाहिए, रिवेट स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, गुड इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे कहा फॉरेन कंपनी है, तो क्लाइंट्स वगैरह जो रहेंगे तो थोड़े हाई रेपुटेटिव रहेंगे, तो उनसे जो डीलिंग रहेगी, कम्युनिकेशन रहेगी, वो इंग्लिश में हो सकती है। और बात करें स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव अप्रोच, तो ये हर कंपनी चाहती है कि आप कॉन्फिडेंट हो। और भी इसका थोड़ा बेसिक मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने लिखा है बी चैलेंज, देखो क्लाइंट से जो आपकी बातचीत रहेगी वो आपको होनी चाहिए अच्छे से, जो हमारे वर्किंग क्लोजली विद टेक्नीशियंस कैड रिव्यू ड्राइंग्स के बारे में, तो काफ़ी चीज़ें हैं इन्होंने कहा हुआ है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आपको उस पर सिर्फ क्लिक करना है, आपको पेज खुलेगा, वहाँ जाके आपको अप्लाई कर देना है। ना आपको फ़ी देनी है किसी को, ना कहीं घूमने का ज़रूरत है। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल चुका हूँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाम को मैं हो सके तो फ्रेशर्स के लिए भी जॉब लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस।